नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तथा बताएंगे कि कब तक इस परियोजना का निर्माण कार्य होगा पूर्ण एवं कितना हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण तथा क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियां। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर वर्तमान सरकारें अत्यंत तीव्रता के साथ कार्य कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना में प्राप्त की गई उपलब्धियों की। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है और जिन मार्गों पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं उसमें कई स्थानों पर पहाड़ काटकर सुरंग बनाने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में जुटी टीम हर चुनौती को बोनस सिद्ध करने का संकल्प लेकर के कार्य कर रही है और इसमें पहली पहाड़ी सुरंग केवल 10 महीने में बना दिया गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना में वलसाड में बनी सुरंग उल्लेखनीय सफलता है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल 7 पर्वतीय सुरंग बनाए जाने हैं। पहली सुरंग बनाने में सफलता को प्राप्त किया जा चुका है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार गुजरात के वलसाड में केवल 10 महीने की अवधि में सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक मार्ग बनाने में सफलता मिली है। महत्वपूर्ण है कि 6 और पर्वतीय सुरंगों के लिए भी ठेके दिए जा चुके हैं। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को पड़ोसी ठाणे जिले में शिलफाटा से जुड़ने वाले रूट पर समुद्र के नीचे सुरंग बनाना है और इसके लिए भी खुदाई का कार्य आरम्भ हो चुका है। NHSRCL के अनुसार वलसाड जिले में सुरंग को तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है और वह पड़ोसी राज्य वलसाड के उमर गांव तालुका में जारोली से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार ब्रेक थ्रू एक इंजीनियरिंग शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक सुरंग के 2 सिरे बीच में मिलते हैं, अर्थात जब पहाड़ी को भेदते हुए आर पार निकला जा सके। बता दें कि इस 50 मीटर लंबी सुरंग की गोलाई 12.6 मीटर और ऊंचाई 10.25 मीटर है। यह एकल ट्यूब सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है और इस सुरंग में 2 हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक होंगे। जानकारी के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर में कुल 7 पहाड़ी सुरंगें होंगी और इनमें से सभी का निर्माण NATM का उपयोग करके किया जाएगा। पूरे प्रोसेस में सुरंग के सिरे पर ड्रिल छेद को चिन्हित करना, ड्रिलिंग छेद विस्फोटक को चार्ज करना, नियंत्रित ब्लास्टिंग, मलबा हटाना और प्राइमरी सपोर्ट इंस्टॉल करना सम्मिलित है। हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे जिले के शिलफाटा के मध्य 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस संरचना का 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रिक के नीचे से होगा। यह स्थान देश की पहली ऐसी सुरंग के लिए प्रसिद्ध होगी जहां पर समुद्र के नीचे से सुरंग बनी होगी। अधिकारियों के अनुसार जिन 6 पर्वतीय सुरंगों के लिए ठेके दिए गए हैं, मुंबई से इनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कसाबे कामन, चंद्रपाड़ा, चंदसर, मीठागढ़, वसंतवाड़ी और अम्बेसर में सुरंग का निर्माण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त दूसरी उपलब्धि की जानकारी देने हेतु बता दें कि बुलेट ट्रेन के लिए पहली माउंटेन टनल का कार्य पूरा होने के पश्चात अब पहली स्टील ब्रिज के निर्माण को भी पूरा कर लिया गया है। यह स्टील ब्रिज सूरत में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलने वाली बुलेट ट्रेन इसी स्टील के पुल से होकर के गुजरेगी। NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सूरत नगर में नेशनल हाईवे 53 पर पहले स्टील ब्रिज को बनाया है और इसके एक दिन पहले ही बुलेट ट्रेन के वलसाड में पहली माउंटेन टनल का कार्य पूरा हुआ था। बुलेट ट्रेन परियोजना के एक अहमदाबाद के साबरमती में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी बनाया जा चुका है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि बुलेट ट्रेन के पूरे कॉरिडोर में कुल 28 स्टील ब्रिज रखे जाएंगे। इनमें से पहले स्टील ब्रिज को सफलतापूर्वक तय अलाइनमेंट में स्थापित किया गया है। इन स्टील ब्रिज के निर्माण में लगभग 70,000
मीट्रिक टन स्पेसिफाइड स्टील का उपयोग होने का अनुमान है। इन स्टील ब्रिज स्पैन की लंबाई 60 मीटर से लेकर 130 मीटर कंटिन्यूस स्पैन तक है। बुलेट ट्रेन के लिए इन स्टील ब्रिज को खास तौर पर जापान की टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ इन्हें भारत में ही बनाया गया है। नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए स्टील ब्रिज सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इस पुल की विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि 40 से 45 मीटर तक के प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के मध्य चलने वाली भारी ढुलाई और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त यह पहला अवसर है जब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली शिनकानसेन बुलेट ट्रेन को सपोर्ट करने वाला स्टील का ब्रिज बनाया और सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के पास हापुड़ में इस पुल को तैयार किया गया था। ब्रिज को जिस स्थान पर लगाया गया वहां से फैक्ट्री की दूरी 1200 किलोमीटर दूर है। स्टील स्ट्रक्चर में लगभग 700 भाग हैं। इनका कुल वजन 673 मीट्रिक टन है। ट्रेलरों की सहायता से इसे निर्माण साइट तक ले जाया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि सूरत में नेशनल हाईवे 53 पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए गए इस ब्रिज की कुल लंबाई 70 मीटर है। इस ब्रिज की लॉन्चिंग नोज की लंबाई 38 मीटर है जबकि लॉन्चिंग नोज का वजन 167 मीट्रिक टन है। अहमदाबाद से मुंबई के मध्य दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रायल 2027 से पहले शुरू होने की आशा है। तो वहीं गुजरात के हिस्से में बुलेट ट्रेन के पहले चलने का अनुमान है। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद की दूरी जो घट करके 127 मिनट तक की ही हो जाएगी। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी परियोजना को वित्त पोषित कर रही है जिसमें से अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च भी हो चुके हैं। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। अगस्त 2027 तक 352 किलोमीटर लंबे गुजरात भाग के चरणबद्ध कमीशनिंग के लिए तैयार हो रही है। एक बार पूरा होने के पश्चात यह देश की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी। कितना हुआ परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि अब तक लगभग 40% की समग्र भौतिक प्रगति प्राप्त हो चुकी है। मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में हो रही देरी का प्रमुख कारण महाराष्ट्र में देर से भूमि अधिग्रहण के कारण निविदा में देरी होना है। हालांकि अब तीनों सिविल पैकेजें दिए जा चुके हैं। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली में 508 किलोमीटर की दूरी तक फैले 12 स्टेशन सम्मिलित हैं। यह मार्ग महाराष्ट्र में 155.76 किलोमीटर को कवर करेगा जिसमें मुंबई उपनगरीय में 7.04 किलोमीटर, ठाणे में 39.66 किलोमीटर और पालघर में 109.06 किलोमीटर सम्मिलित हैं, जबकि गुजरात में 348.04 किलोमीटर की लंबाई होगी और दादर नगर हवेली का मार्ग 4.3 किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर पर हाई स्पीड ट्रेनें मुंबई में 26 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर भूमि से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर एक एलिवेटेड वायाडक्ट पर चलेंगी जिसे 3 मेगा टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग करके भूमिगत बनाया जाएगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन को छोड़ करके सभी स्टेशन एक एलिवेटेड मार्ग पर स्थित होंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि पर जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।